हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया, सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आप सबको पता भी है और ये सबके लिए बहुत बहुत अच्छा होता है और सभी क्रीम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि सभी पैकों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सैंडलवुड पाउडर पैक, ठीक है, यानी कि सैंडलवुड पैक, जिसके साथ हम एक इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करेंगे। आप, मैं जो मिक्स कर रही हूँ वो आपको हनी मिक्स कर रही हूँ, डबर हनी। आप उसकी जगह मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कभी कभार मिल्क इस्तेमाल करती हूँ, अभी मिल्क मेरे पास नहीं है अवेलेबल, सो मैं हनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप इसकी जगह मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस, आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर लेना है, ठीक है, एंड 1 टेबल स्पून हनी लेना है। अब अगर आप इसके जगह मिल्क लेते हो तो मिल्क 2 टेबल स्पून लीजिएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है सैंडलवुड पाउडर, इसलिए मैं हनी 1 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। आप उसको, आप अगर जो भी लेंगे आपके हिसाब से लीजिएगा। एंड उसके साथ आप, मैंने जैसे कहा, आप मिल्क इस्तेमाल कर सकते हो और मिल्क के साथ आप हनी भी उसमें मिक्स कर सकते हो। अगर चाहो तो आप उसके साथ हनी भी मिक्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ हनी मिक्स किया है, या मतलब करूँगी, और आप इसके जगह मिल्क और हनी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस, बनाने से पहले मैं आपको पहले से बता देती हूँ, ऑयली स्किन या कोई भी स्किन हो, ड्राई स्किन को छोड़कर, वो क्या करे, इसको वीक में, हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ड्राई स्किन वालों के लिए ट्वाइस, यानी कि वीक में उनको 2 बार करना है। और इसको पैक को लगाने के बाद 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दे, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दे, एंड आधे घंटे के बाद इसको ठंडे पानी या फिर नॉर्मल जो पानी होता है उससे आप मुंह धोए। और ड्राई स्किन वालों के लिए ठंडे पानी से ही आप उसका मुंह धोए, एंड उसके बाद आप उसको थोड़ा सा, अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है थोड़ा सा लगाए। और स्पेशल ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए कुछ नहीं लगाना है। आप इसको पैक के लगाने के बाद कुछ इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें उस टाइम। और ड्राई स्किन वाले जो हैं उनको ये लगाने के बाद आपको ठंडे पानी से पूरे फेस को वॉश करना है, वॉश ऑफ करना है, एंड जेंटली उसके बाद आपको स्किन थोड़ा सा ड्राई लगेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैक जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबको पता है सैंडलवुड पाउडर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। चंदन सबके लिए बहुत अच्छा होता है और चंदन का इस्तेमाल लोग, सभी लोग करते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इस पैक में ही नहीं, चंदन सभी पैकों में इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी क्रीम वगैरह है आप सबको पता है चंदन का इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ के लोकल शॉप से लिया है, आप चाहो आपके यहाँ पे ऑनलाइन भी स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हो, या फिर चाहो आप घर में ही चंदन को पीस के, जो पीस पीस के सूखा हुआ एकदम मिल जाता है, तो थोड़ा सा पीस के, इतना सा भी हो, उसके साथ भी आप थोड़ा सा हनी पेक, हनी मिक्स करके उसको पेक बना सकते हो। लेकिन उसमें आप दूध मत मिलाइएगा, जो आप चंदन पीस के जो निकालने वाले हो पानी के सहारे, उसमें आप दूध बिल्कुल भी ना मिलाएं, उसमें हनी मिलाएं, और मिलाने के बाद उसी का ही आप इस्तेमाल करें। ये पैक गाइस बहुत अच्छा पैक होता है और सबके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड गाइस, इसका रिजल्ट आपको जरूर बहुत अच्छा मिलेगा, आप सबको पता ही है कि चंदन अच्छा है। सो गाइस, इसका हम मिश्रण करेंगे अभी। और सबसे बड़ी बात, इसको मिश्रण बनाने के बाद आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख दें, एंड उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड फिर से बोल रही हूँ, 30 मिनट्स के लिए आपको इसको फेस में रखना है, 30 मिनट्स के लिए आपको फेस में लगा के रखना है, और 30 मिनट्स के बाद इसको आप वॉश इट ऑफ विथ योर विथ कोल्ड वाटर, ओके, देन लिबिट फॉर, आप लगा के लिबिट फॉर 30 मिनट्स लग दीजिए, फिर वॉश इट ऑफ ये कोल्ड वाटर, जिससे आपको ठीक लगे। आप अगर लग रहा है कि आप कोल्ड वाटर से कंफर्टेबल नहीं हो, तब नॉर्मल पानी से मुंह धोए, बट मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बोलूँगी कि आप ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, फ्रिज अवेलेबल नहीं है, ठंडा पानी उस टाइम को अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी अपना मुँह धो सकते हैं। ओके गाइस, देन शुरू करें। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है चंदन पाउडर, ठीक है। अभी मैं डबर हनी मिक्स करूँगी, मेरे पास मिल्क नहीं है, आपके पास मिल्क अवेलेबल हो तो आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। गाइस, तो मैंने, आपने देखा होगा, इस कटोरा में मैंने पहले से हनी रखा था, तो इसी हनी को हम इसमें मिक्स कर देंगे
इसी कटोरे पे ले लेंगे जिसमें हमने चंदन रखा था, जिसने पहले ऑलरेडी हमने सैंडविच जो पाउडर है उसको रख दिया था, यानी कि चंदन हमने जिसमें रख दिया था उसी में हम पूरा हनी को मिक्स कर देंगे। मैंने जो डबल हनी आपको दिखाया था उसी में से मैंने लिया है, ठीक है। और जो हनी मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून ही लिया है, आप उसको अच्छे से मिक्स कर दें, ठीक है। अगर आपके पास प्लीज़ इसको पहले पहले लगा कर मिक्स नहीं हो रहा लेकिन ये मिक्स हो जाएगा, आपके पास मिल्क अवेलेबल है तो प्लीज़ इसको इसमें आप मिक्स मिल्क का भी मिक्स कर सकते हैं। तो गाइस अब इसको अच्छे से प्लीज मिलाएं, ठीक है। मैं इसका अच्छे से, आपको लगेगा कि कम हो गया हनी, मिक्स नहीं हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको अच्छे से मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मिक्स हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे से कलर बदलता जाएगा, ठीक है। आपको पहले बहुत आठा आठा लगेगा कि आप मुंह में कैसे लगाओगे, पर कंफर्टेबल हो जाओगे लगाने के बाद। ये बहुत बढ़िया पैक होता है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। मैंने मिक्स कर लिया है, अब उसको दबा दबा के मिक्स करें ताकि अच्छे से मिश्रण बन जाए, ठीक है। गाइस मेरी मिश्रण रेडी है, आप देख सकते हैं, देखिए मेरी मिश्रण बिल्कुल रेडी है, पूरा मिक्स हो गया है, मिश्रण रेडी है। तो आप लोग भी इसका ऐसे मिश्रण बनाएं, और उसके बाद आप उसको कोई भी ढकने के सहारे, मैं इसी कैसे करूँगी, आप उसको ढक के बिल्कुल रख दें 5 मिनट के लिए, एंड उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। एंड गाइस इसको आप अगर ड्राई स्किन है, फिर से बता रही हूँ, 1 में 2 दिन, अदर स्किन जो है वो 1 में 3 दिन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट इसको मिलेगा। ओके गाइस, देन आपको मैं आपके साथ में फिर से मेरी मुलाकात होगी अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय बाय एंड टेक केयर।